बच्चों, मैंने बनाई है आज एक पुली। आप भी बनाना चाहते हैं तो फॉलो करिए मेरे इंस्ट्रक्शंस। तो बच्चों, इस पुली को बनाने के लिए मैंने मेरे घर में ही रखी हुई चीजों का जुगाड़ लगा करके इस्तेमाल किया है। आई हैव टेकन दिस प्लास्टिक जार और पुली बनाने के लिए इसके दोनों एंड्स ओपन होने चाहिए। एक तो ऑलरेडी है, दूसरे को ओपन करने के लिए मैं क्या करूं? यहां से इसको मैं काट डालती हूं, ठीक है? तो चूंकि टेढ़ा ना कटे, बिल्कुल परफेक्टली मैं इसे काट सकूं, इसलिए बेटा मैं यहां पर लगाने जा रही हूं मार्क। मार्क लगाने के लिए मैंने एक तरीका अपनाया है, दैट आई हैव टेकन दिस सेलो टेप और इसको बेटा मैं इस तरीके से पेस्ट कर देती हूं। चारों ओर से इस तरह से। नाउ टेक अ नाइफ और आप उसको इस तरह से गर्म कर ले थोड़ा सा। और अब बहुत केयरफुली आप इस लाइन के अराउंड जो कि आपको सेलो टेप डालने से मिला, इसको ऐसा रख करके इस पोर्शन को कट आउट कर सकते हैं। एंड नाउ यू कैन टेक अ पीस ऑफ कार्डबोर्ड और थर्मोकोल केप्ट इन योर होम और बेटा आपको इसके दोनों एंड से बड़ा पोर्शन इस कार्डबोर्ड से काट करके निकालना है दो, ठीक है? मैं तो भाई सर्कुलर शेप का काटना चाहती हूं, तो मैंने क्या किया कि इसको इसके ऊपर रख दिया और भाई मैं ऐसे इसके चारों ओर लाइन बना लेती हूं। ये हो गया एक और मैं थोड़ा इधर दूसरा ड्रॉ कर लेती हूं। मुझे इससे बड़ा पोर्शन कट करना है, तो चलिए काम पे लग जाते हैं। इससे थोड़ी दूरी पर मैं इस तरह से सीजर चलाना शुरू करती हूं। इसी तरह से मैं दूसरा पोर्शन भी काट लेती हूं। अब आपको क्या करना है, आपको इस वाले पोर्शन को इधर फिक्स करना है और इस वाले टुकड़े को बेटा दूसरे एंड पर फिक्स कर देना है, सो दैट यू गेट अ पुली लाइक दिस। लेकिन पेस्ट करने के पहले यू मस्ट डू वन मोर थिंग। वो क्या बेटा, आप इस पुली को किसी चीज में ही घुसाओगे, है ना? जैसे कि मैंने इसे किस में घुसाया था भाई, एक कर्टन रॉड में घुसाया था। तो क्या ये इसमें घुस सकता है अभी? बिल्कुल नहीं। घुसाने के लिए क्या करना पड़ेगा? यू नीड टू मेक होल्स यहाँ पर और दूसरे वाले एंड पे बेटा आपको होल बनाना है। और वो होल कितना बड़ा होना चाहिए? जितना कि भाई ये कर्टन रॉड के एंड का डायामीटर है, है ना? तो मैं क्या करने जा रही हूं, इस कर्टन रॉड को इस तरह से प्लेस कर देती हूं और फिर मैं यहां पर मार्क लगा लेती हूं। दोनों पोर्शंस में मैं ऐसा ही करूंगी। एंड आफ्टर दैट यू हैव टू कट दिस पोर्शन आउट। इसको बेटा आपको काट करके हटा लेना है और दूसरे वाले से भी उसी तरह इस पोर्शन को काट के आपको हटा लेना है। अब यहां पर सीजर से इस पोर्शन को कट आउट करना बड़ा ही मुश्किल है। मैं फिर यहां पर एक जुगाड़ लगाती हूं,
ये मेरे पास है कंपास, आप इस तरह से कोई नीडल ले सकते हैं, मोटी सुई ले सकते हैं और इससे मैं इस तरह से पोक कर दे रही हूं और पोक करके मैं इस पोर्शन को कट आउट कर लूंगी। अब इन दो होल्स को कट आउट करने के बाद मैं जा रही हूं इनको इस जार के दोनों एंड पर फिक्स करने और ये मैं सेलो टेप की मदद से कर लूंगी। टेंटेड है, मेरी पुली हो गई है तैयार। अब मैं इसे इसकी जगह पर लगा देती हूं। ये लिया मैंने कर्टन रॉड और इसको इस होल से गुजार करके लगा दिया और अब चलिए टेस्ट कर लेते हैं कि ये पुली काम भी करती है या हमने बेकार ही इतनी मेहनत की है। बच्चों ये एक मैंने थोड़ा हेवी वेट ले लिया है, ठीक है, आप देख सकते हैं ये काफी मोटा है, इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि थोड़ा तो वेट इसका होगा ही, भारी तो होगा ही, है ना। इसे मैं बेटा ऐसे ही उठाती हूँ, थोड़ा फील कर रही हूँ कि कितना भारी है, ठीक है। और अब मैं जा रही हूँ इस वेट को इस पुली की मदद से लिफ्ट करने की और फिर मैं आपको एक्सपीरियंस करके बताती हूँ कि विच वन इज ईजियर, डायरेक्टली लिफ्ट करना या फिर पुली की मदद से लिफ्ट करना। ये देखिए बच्चों कितनी आसानी से मैं अपने बनाए हुए पुली की मदद से इस वेट को ऊपर ला पा रही हूँ, पुल कर पा रही हूँ और इसीलिए ये है एक पुली, बिकॉज इट मेक्स द वर्क ऑफ पुलिंग थिंग्स इजियर। मैं ऐसे भी इस वेट को उठा पा रही थी, आपको मैंने उठा के दिखाया था, लेकिन उसके कंपैरिजन में पुली का इस्तेमाल करके इसे उठाना इज मच इजियर। तो बच्चों आप भी इस तरह से जुगाड़ लगा करके पुलीज को बना सकते हैं। अभी काम करते करते मेरा सेलो टेप खत्म हो गया और मुझे ये मिला, इससे भी तो पुली बना सकते हैं। दोनों तरफ अगर मैं ऐसे बंद कर दूं और इसे जिसमें इंसर्ट करना है उसके बराबर का होल कर दूं तो दिस विल ऑल्सो वर्क एज अ पुली। फिर बेटा मुझे ये थ्रेड का रील मिला है, अगर मैं थ्रेड को हटा दूं तो इसमें तो मुझे बगल में कुछ डालने की भी जरूरत नहीं है, ये ऑलरेडी इस तरह का बना हुआ है, बस मुझे यहाँ पर जितना छेद है उस छेद के बराबर का कोई रॉड जो है इसके अंदर डालना होगा और फिर इट विल ऑल्सो वर्क एज अ पुली। तो बेटा आप लोग भी पुली को बनाइए।